शहीद उधम सिंह जयंती के मौके पर वीरवार को अंबाला में चौक का अनावरण किया गया। चौक का अनावरण करने केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल और पूर्व मेयर रमेश मल भी मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू हुए कटारिया ने कहा कि आज देश का बच्चा बच्चा शहीद उधम सिंह की कुर्बानी को जानता है कि किस तरह उन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का इंग्लैंड जाकर बदला लिया था। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हमारे लोकप्रिय विधायक भाई असीम जी के प्रयासों से आज यहाँ पर ये उधम सिंह चौक का अनावरण हुआ है। सारा देश और दुनिया सरदार उधम सिंह जी की जो कुर्बानी भारतवर्ष के लिए रही है उसको देश का बच्चा बच्चा जानता है। और जिस प्रकार से उन्होंने एक संकल्प लिया कि जिन लोगों ने जलियांवाले बाग के अंदर नरसंहार किया था ऐसे लोगों का सफाया करना है, तो उन्होंने मन में यह संकल्प लेकर इंग्लैंड गए और जालिम डायर को वहीं पर जाकर मारा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उधम सिंह जी की भारत माता के चरणों में थी और इसलिए उनको आज सारा राष्ट्र नमन कर रहा है। देखिए, हमारी कोशिश रही है पूरी टीम की कि अंबाला के जितने चौक चौराहे हैं सभी चौराहों से कोई ना कोई सामाजिक कोई एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि धर्म कर्म सबको लगे कि जीवन के अंदर धर्म और कर्म का समान रूप से महत्व है। और जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां हमारे को आज़ाद कराने के लिए दी, आज शहीद उधम सिंह जी का जो जन्मदिवस भी है और आज उनके जन्मदिवस के ऊपर उनके इस प्रतिमा का उनके इस चौक का अनावरण करने का हम सबको सौभाग्य मिला, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आने वाले समय में जो भारत इसके अपना अंबाला के जितने भी बाकी चौक बचे हैं उन सब चौकों को भी एक सामाजिक मैसेज के नाते तैयार कराया जा रहा है। बड़ी जल्दी कहीं ऐसे और चौकों का भी हम अनावरण करवाएंगे। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।